महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य हमारे तीन पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के माइग्रेंट्स का संपूर्ण संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना है। सब कवायद के बाद 19 लाख लोग प्रमाणित ही नहीं कर पाए कि वो इस देश के नागरिक थे। अब ये बना तो था असम के लोगों की मांग पर, लेकिन असम के लोगों की मांग पर जो ये बात, जो ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो बना, उसमें 19 लाख लोग बाहर हो, उसे प्रमाणित ही नहीं कर। अब आप इस पूरे आंदोलन में आप ये देखेंगे कि पहले जो शुरू हुई बात थी कि नेपाली, बांग्लादेशी ये लोग आए हैं, नेपाली का नाम चला गया। मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, एक शब्द आपके पूरे नजरिए को बदल देता है। इस बात को एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा, एक शब्द नेपाली इस पूरे इसमें से बाहर हो जाता है, पूरे आंदोलन से। अब ये आ जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। अब बांग्लादेशी घुसपैठिए में जैसे ही आता है, उसमें एक खास रिलीजन का भी प्रवेश हो जाता है। एक खास तरह के लोग ही हैं जो इस तरह के घुसपैठ में ज्यादातर आए, लेकिन जो लोग निकले हैं उसमें आप जानते हैं कितने लोग एनआरसी से बाहर हो गए। 19 लाख लोगों में 12 लाख से ज्यादा लोग वो लोग हैं जो अपने को हिंदू क्लेम करते हैं। वो लोग हो गए जो अपने को हिंदू बड़ व्यवस्था का अछूत माने जाते रहे हैं, जिनको कि आज हम बहुत ही पॉपुलर शब्द में दलित कहते हैं, जिनको कि आज हम लोग आदिवासी कहते हैं, वो सारे के सारे लोग इस एनआरसी से बाहर। 12 लाख लोग, और ये प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं कि 1971 से ये चली आ रही है बात, और 2019 में हम यहां पहुंचे। अब रहा दूसरा सवाल कि जो 2019 से पहले जो लोग बाहर से आ रहे थे, जो भी लोग आ रहे थे, क्या उन लोगों को यहां पर जगह नहीं दी जा रही थी? क्या उन लोगों को जगह नहीं दी गई? मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूं। According to the Intelligence Bureau statement at a parliamentary committee hearing on CAB in 2016, there are 31,313 non-Muslim immigrants from the Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who enter India before December 2014. In 2011, the UPA government notified a standard operation procedure in a letter dated 29 December 2011, under which any refugee could apply for a long-term visa. Those who get LTV, yani long-term visas, can obtain PAN card, Aadhaar card, driving license, and even buy property. 2019 से पहले हमारे देश में जो पासपोर्ट एक्ट है, उसमें amendment किया गया कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, उसमें कोई कास्ट रिलीजन का कोई सवाल नहीं, जो भी आ रहे हैं उनको एक शरणार्थी जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो रिफ्यूजियों के लिए जो अकॉर्ड है, उस पर अभी तक हम लोगों ने साइन नहीं किया है कि शरणार्थी हम का दर्जा देंगे। तो शरणार्थी जब जैसे ही आप दर्जा देते हैं, तो आप उसके एक जो पैमाना, उसका जो मापदंड है, उसको पूरा करना होगा। तो ये जो व्यवस्था हम लोगों ने अपने यहाँ कर रखी थी, वो ये कर रखी थी कि जो भी आ रहे हैं उनको हम लॉन्ग टर्म भेजा देंगे, और उनको यहाँ नौकरी करने का भी अधिकार होगा, उनको हायर एजुकेशन लेने का भी अधिकार होगा, उनको मैंने आपको बताया कि उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी लेने के अधिकार, ये नोटिफिकेशन का ही हिस्सा है, ये सारा कुछ चल रहा है। 2016 में अचानक एक नया चेंज आया, इसी एक्ट में जो पासपोर्ट एक्ट था, उसमें पहली बार ये अमेंडमेंट आया
कि जो ये तीन देश हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से आए हुए फला 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 धर्म के लोग जो आ रहे हैं यहाँ, उनको हम लॉन्ग टर्म वीजा देंगे और उनका वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें, वो हायर एजुकेशन ले सकें, इसकी व्यवस्था करने का वो नोटिफिकेशन था, पहली बार ये। लेकिन जैसा कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसी बात, कोई व्यवस्था होती है, क्योंकि कागज देखने के मामले में हम लोग बहुत ही वीक हैं, सुनी सुनाई बातें ज्यादा हमारे काम आती हैं, तो ये जो एक्ट में ये जो नोटिफिकेशन हुआ जो संशोधन करके, लगभग लोगों ने उसकी अनदेखी कर दी, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था इसी सवाल पर बात करने के लिए, तो एक बड़े यूनिवर्सिटी की बड़ी प्रोफेसर वहां थी, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया था जिसकी बात मैं आपको कह रहा हूं, जिसमें पहली बार रिलीजन वाइज ये बताया गया कि हम इन यहाँ इन देशों से आए हुए इस धर्म के लोगों को ये सुविधाएं देंगे, उनकी जानकारी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रक्रिया शुरू चल रही थी, जिसको कि अनदेखा कर दिया, ये कोई नई बात नहीं है। अभी जो संशोधन जो हुआ और बिल में जो आया और जो कानून अब बन गया है, वो एग्जैक्टली वही लाइन है जो लाइन उस समय नोटिफिकेशन में लाया गया था। अब सवाल ये है कि 2019 से पहले ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन 2014 में हमको 2019 में फिर हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम एक नागरिकता संशोधन कानून लाएं और इसमें इस धर्म के लिए बाकायदा ये व्यवस्था करें कि भाई इस धर्म के जो लोग आएंगे उनको हम नागरिकता प्रदान करें। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्या ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि बाहर के लोग जो कहीं भी प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहाँ ला के उनकी नागरिकता दी जाए और ये हमारे देश की प्रायोरिटी है, हमारे देश की प्रायोरिटी में आएगा, सबसे नंबर वन समस्या हमारे देश की यही है, क्या इसीलिए ये कानून बनाया गया है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये खुद से भी पूछे, हम आप सब लोग पूछे कि क्या देश की नंबर वन समस्या ये हो गई कि पाकिस्तान के 20-25 हजार लोग, बांग्लादेश के 20-25 हजार लोग और अफगानिस्तान के 25-30 हजार लोग किसी भी कारण से उत्पीड़ित हो रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए, और आपने इसके लिए पूरी संसद में जो भी बात की, लंबा समय लगाया आपने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये बात नहीं कही, बल्कि ये कही कि ये करना ठीक नहीं होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब बनती है, क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को भी हमको आपको समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक बिल आता है, बिल की देखिए कॉपी ये, और बिल पे मैं लाया इसलिए कि आप लोगों को आप इधर उधर के प्रचार में जाने की बजाय आप ठोस तरीके से चीजें, ये बिल की कॉपी है और इसके मैं अंश पढ़ के सुनाऊंगा। अब जब ये जब बिल आया तो बिल में वही जो डिस्प्यूट था वो खड़ा हो गया। तो आमतौर पर यह होता है कि जिस बिल की व्यवस्था में ये माना जाता है कि ये बिल में खामी है, और कम से कम ये बिल में इतनी ज्यादा खामी है कि ये संवैधानिकता जो आपकी देश की है, यानी कि कल्चर और जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान की जो संस्कृति है, उस पर सवाल खड़े करने वाला ये बिल। इसीलिए जब भी कोई बात ऐसी आती है तो पार्लियामेंट ये करती है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देती है किसी विषय पर। आपने बहुत सारी कमेटियों का नाम सुना होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब राज्यसभा के, लोकसभा के और सभी दलों के मेंबर्स की एक कमेटी बन जाती है जो फिर बिल में प्रावधान किए जा रहे हैं उसकी स्क्रूटनी करती है, उसकी छानबीन करती है। केवल छानबीन वही नहीं करती है, देश भर से लोगों को आमंत्रित करती है, और शायद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहली ऐसी, मेरे होश में मैं मतलब लगभग 35-40 साल हो गए मुझे भी पार्लियामेंट और असेंबली कवर करते जाते हुए, उसकी प्रोसीजर से गुजरते हुए,
पहली ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसके सामने देश के सर्वाधिक लोग एपियर हुए, सर्वाधिक संख्या में संगठन उसके सामने गए और उन लोगों ने कहा कि ये प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। ये बात सबने कही अपनी बात। और मैं आपको बताऊं कहां चीजें डेवलप हो रही हैं, इसको आपको आपको समझना पड़ेगा। जिस समय ये पहली बार बिल आया, और शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, उस समय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे और उन्होंने अपनी बात ये कही। क्या कही उन्होंने? महोदया, इस बिल का मुख्य उद्देश्य हमारे तीन पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के माइग्रेंट्स का संपूर्ण संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना है। ये ऐसे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में सेंटर लेने के लिए मजबूर हुए हैं, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कम्युनिटी के प्रति राष्ट्र और राज्य के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। केवल पाकिस्तान का इसमें नाम आया। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी बराबर रोका जाता है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार, ये देश की होम मिनिस्टर का ये बयान है, ये जब बिल पेश कर रहे थे उस समय का ये स्टेटमेंट है, बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और इनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चीज़ें डेवलप होती हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और चीज़ें जब डेवलप हो रही हैं तो उसकी क्या दिशा जा रही है, कहाँ किस दिशा में बात जा रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है।